I thank God for giving me one more opportunity to meet you all, my lovely angels. How are you all? Hope you all are healthy and happy. All those who have come for the first time to our channel, I welcome you all. Let me inform you all that we have started a series of crafts made out of empty tea light candle cups. All these crafts are made out of empty tea light candle cups. And I have shared the link in the I button as well as in the description box. So today we are making our last craft of the series, and that's our 10th craft out of empty tea light candle cups. So let's get started. I enjoyed this series so much ki aur candle cup pe video banate jao man kar raha tha. Ek kaam karte hain, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि ये एम्प्टी टी लाइट कैंडल कप से हमने जो क्राफ्ट्स बनाए आप लोग को कैसा लगा। अगर आपको और आइडियाज़ देखनी है, अगर हाँ तो फिर मैं बहुत जल्द फिर से एक नया सीरीज़ लेके आऊँगी एम्प्टी टी लाइट कैंडल कप्स पर, और फिर से कुछ यूनिक आइडियाज़ शेयर करने की कोशिश करूँगी। और अब ये देखिए हमारा लीफ रेडी हो गया, एकदम शाइनी सिल्वर लीफ। इसे हम ग्रीन कलर की नेल पॉलिश से पेंट कर रही हूँ मैं कुछ इस तरह। ये देखिए ग्रीन लीफ रेडी हो गया, और ये जो हमारा सिल्वर लीफ है ये एज इट इज नेचुरल कलर है, इसको मैंने पेंट नहीं करा है। एंड द नेक्स्ट वन इज ऑरेंज, और इसके बाद ये हमारा गोल्डन लीफ। तो ये चारों को अभी हम फिक्स करेंगे। तो उससे पहले हम कार्डबोर्ड कट कर लेते हैं कुछ इस तरह, और उसके बाद यहाँ पे मैंने सेम साइज़ का वाइट चार्ट पेपर लिया है, और इसे हम ग्लू गन के मदद से कुछ इस तरह स्टिक कर देंगे। और अब यहाँ पे मैं एक एक करके ये सारे लीफ को हॉट ग्लू गन के मदद से देखिए इस तरह स्टिक करते जाऊँगी। और अब यहाँ पे मैं पेन के मदद से ऐसे मार्क करते जा रही हूँ, छोटे छोटे डॉट्स बना रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह छोटे छोटे होल्स बना लेंगे, ऐसे ही चारों तरफ हमको होल्स बनाने हैं। यहाँ पे मैंने राइज लाइट्स लिए हैं, मल्टी कलर के जो राइज लाइट हैं उसको एक एक करके ये देखिए ऐसे फिक्स करते जाऊँगी। ये देखिए ऐसे हमको सारे लीफ पे फिक्स करते जाना है। बॉक्स टाइप का जो फ्रेम होता है वो क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पे ये जो कार्डबोर्ड का स्ट्रिप है इसको कुछ इस तरह देखिए ऐसे फिक्स कर रही हूँ मैं। एंड फाइनली वी विल कवर दिस बॉक्स। ये देखिए कार्डबोर्ड का जो पीस है इससे कुछ इस तरह हम ये बॉक्स को कवर कर देंगे। और अब यहाँ पे मास्किंग टेप के मदद से ये बॉक्स के जो सारे जो बॉर्डर्स हैं इसको कुछ इस तरह मैं कवर करते जा रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे ब्लैक एक्रेलिक पेंट के मदद से ये सारे बॉर्डर्स पे ब्लैक कलर का पेंट कुछ इस तरह लगाते जाना है। तो ये देखिए दिस इज़ द फाइनल लुक। कैसा लगा आपको ये फ्रेम वॉल डेकोर कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए। एंड दिस इज़ विद द लाइट्स। फिलहाल मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ हमारे नए सीरीज़ के लिए। एनी आइडियाज़ गाइस, इस बार मैं क्या मटेरियल यूज़ करने वाली हूँ? चलिए कमेंट बॉक्स में अपने आइडियाज़ शेयर करिए। लेट मी सी कितने लोग सही गेस कर पाते हैं। Thanks for watching. Hope this video was useful. I pray and wish that you all stay healthy and happy. See you all in my next new series of crafts. Till then, take care.